मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जो बीजेपी को आग दिखा रहे थे, तो बीजेपी ने भी समझा दिया था कि अभी आप राजनीतिक तौर पर इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि बीजेपी को ही आग दिखाने लग जाए। चिराग पासवान की बातें अब बीजेपी ने मान ली है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच लगातार बातचीत हो रही है। चिराग ये चाहते हैं कि ना केवल वो बिहार बल्कि झारखंड में भी आगे बढ़े, झारखंड का चुनाव भी लड़े। वजह ये है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि चिराग पूरे देश में प्रख्यात नेता बने, ना केवल बिहार के नेता बने। चिराग पासवान की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बताया कि आप ठीक है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे साथ चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड के लोजपा रामविलास के जो प्रभारी हैं, जिन्हें हेड बनाया गया है, वो चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती है, जो कि जमुई के सांसद भी हैं। उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो रही है और झारखंड के बीजेपी प्रभारी से भी हो रही है। चिराग पासवान ये चाहते हैं कि एनडीए के साथ मिलकर ही झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। नवंबर महीने में चुनाव होना है झारखंड में, एक महीने पहले, यानी कि अब चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतरना है और इसके लिए चिराग पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, बातचीत की। चिराग पासवान ने कहा कि 2014 में हमें एक सीट दी गई थी, लेकिन वहीं 2019 में बात नहीं बन पाई। हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते थे, उस वक्त हमारे पिताजी भी साथी थे, लेकिन तभी हमें सीट नहीं मिल पाया, बात नहीं बन पाई। लेकिन 2024 में हम चाहते हैं कि बात बने, हम चुनाव लड़े और इसके लिए चिराग पासवान अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे। चिराग पासवान पूरे दमखम के साथ झारखंड गए थे, वहाँ उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। वहीं पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उस वक्त ज़्यादा सीटों की दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन अभी चिराग पासवान ने कहा कि हम ज़्यादा सीटों की मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे कुछ कम ही सीट है। हम चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ रहें, बीजेपी को मजबूती दें, एनडीए में एकजुट होकर रहें और उसके बाद झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ें। झारखंड में नवंबर महीने में चुनाव है और इससे पहले चाहे जेडीयू, बीजेपी और झारखंड की जितनी छोटी मोटी रीजनल पार्टी है वो भी तैयारी कर रही है। जेडीयू को भी इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन सवाल ये है क्या एनडीए के साथ या एनडीए के बगैर। चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। चिराग ने कहा कि मैं मजबूती के साथ एनडीए के साथ बना रहना चाहता हूँ। बीजेपी का साथ चिराग पासवान को चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि मैं एनडीए में रहकर एनडीए को मजबूती देना चाहता हूं और अब चिराग पासवान झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बातचीत चल रही है। चिराग पासवान ने कहा कि पॉजिटिव बात होगी, यानी कि सकारात्मक बात ही सामने आएगी, क्योंकि हमने एक राउंड की मीटिंग कर ली है। चिराग पासवान रविवार की शाम इस बात का ऐलान करते हैं कि बातचीत हो गई है, एक राउंड की मीटिंग और बाकी है। वो मीटिंग जैसे ही हो जाती है तो झारखंड में भी बात बन जाएगी, हम चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान झारखंड में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। चिराग पासवान को जब से केंद्रीय मंत्री बनाया गया तो चिराग पासवान वैसे भी पूरे देश में विख्यात नेता बन चुके हैं। भले ही वो बिहार से राजनीति करते हो, लेकिन पूरे देश में हर कोई चिराग पासवान को मौजूदा समय में जान रहा है और इस बात का फायदा चिराग पासवान को झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। चिराग इस बात को भलीभांति जानते हैं और यही वजह है कि चिराग ये भी नहीं चाहते कि बीजेपी का साथ छूट जाए। बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में मजबूती से रहकर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बातचीत हो चुकी है और अब दमखम के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा हालांकि अब तक नहीं किया गया है, एनडीए से बातचीत हो रही है, बीजेपी से बातचीत हो रही है। जैसे ही बातचीत तय हो जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा, सीटों का बंटवारा भी सामने आ जाएगा और चिराग पासवान के साथ साथ जेडीयू भी झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। फिलहाल चिराग पासवान की बात बीजेपी मानती है या नहीं। हालांकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि बातचीत मान ली जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे सियासत में क्या कुछ होता है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा खुशबिहार झारखंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 88-00-00-2024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।